हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिवान से और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो ये गाड़ी हमारी वैगनार VXI मॉडल है और इसमें जो सेटिंग होती है डोर की, सिक्योरिटी सेटिंग, लाइट की सेटिंग और क्लॉक सेटिंग हो गई या फ्यूल की सेटिंग हो गई, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इसके अंदर मेन्यू में जाने के लिए हमको करना क्या है, इसमें सिंगल नोब होती है ये, ठीक है, ये सिंगल नोब होती है, इसी की मदद से हम अंदर इंटर करेंगे। और कहाँ कहाँ से हम इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे जो रेंज लिखा है, ठीक है, रेंज लिखा रहेगा तो इसे पुश करके रखे रहेंगे अगर थोड़े समय के लिए तो हम इंटर कर सकते हैं, या फिर ये जो ओडोमीटर रीडिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे पुश करके रखे रहेंगे तो हम इंटर कर सकते हैं। तो हम ओडोमीटर रीडिंग में हैं और इसे हम पुश करके रख रहे हैं, पुश करके रखा हूँ मैं, करीबन 3 से 4 सेकंड के लिए पुश करके रखना पड़ता है तो हम इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो डोर की सेटिंग है, लाइट सेटिंग है, सिक्योरिटी सेटिंग है, फ्यूल की सेटिंग है और क्लॉक की सेटिंग है, ठीक है, और एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट में जो भी मारुति बना के देती है सेट करके वो आ जाएगा। तो हम पहले देख रहे हैं डोर की सेटिंग में, ठीक है। तो डोर की सेटिंग के इंटर करने के लिए फिर से इसी नोब को दबा के रखेंगे तो हम आ जाएंगे D1 सेटिंग है, D2 सेटिंग है, D3 सेटिंग है और D5 सेटिंग है, ठीक है। अब हम आएंगे D1 सेटिंग में। तो D1 सेटिंग में देख सकते हैं यहाँ पे SL1 सेटिंग लिखा है और SL2 सेटिंग लिखा है, और SL2 सेटिंग के ऊपर देख सकते हैं SEL लिखा है, सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें D1 SL1 सेटिंग सेलेक्ट है। अब D1 SL1 सेटिंग का मतलब, पहली बात तो ये D1 सेटिंग का मतलब क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो D1 सेटिंग का मतलब ये होता है कि हमारी जो चाबी है, ठीक है, चाबी को अगर SL2 सेटिंग में रखेंगे, ठीक है, तो सिंगल क्लिक में सिर्फ हमारा ड्राइवर साइड का डोर ओपन होगा, ना कि पूरे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसमें SL2 सेटिंग अभी सेलेक्ट है और इसे इग्निशन ऑफ कर दिया है। अब डोर बंद करो, डोर इसे पुश करके रखो, ठीक है। डोर के जैसे मैंने यहाँ पे जो सेंसर लगाया है स्विच, इसको पुश कर दिया है और मैं इसे लॉक कर रहा हूँ बटन, ठीक है, अनलॉक है, लॉक कर रहे हैं तो कोई और भी डोर खुला है क्या, ठीक है, अभी डोर खुला हुआ था, डोर बंद कर दिया है और मैं लॉक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे डोर लॉक हो गए हैं, ठीक है, और अनलॉक कर रहा हूँ तो सिंगल क्लिक में ये देख सकते हैं ये साइड का डोर ही बस ओपन हुआ है और अपोजिट साइड का ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। अब फिर से क्लिक करूँगा तो अब सारे के सारे अनलॉक हो गए हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं, हाँ, सिंगल बटन से अगर हम पूरे डोर को अनलॉक करना चाहते हैं तो D1 SL1 सेटिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब D2 SL2 सेटिंग में क्या देख सकते हैं, इसमें क्या है, D2 SL1 और D2 SL2 सेटिंग सेलेक्ट है। अब SL2 सेटिंग सेलेक्ट है तो SL2 सेटिंग ये होती है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो 15 की स्पीड में जो गाड़ी को लॉक होना चाहिए, जैसे होता नहीं, कस्टमर आते हैं कुछ भी बोलते हैं कि हमारी गाड़ी चलाने पे लॉक नहीं हो रही है, तो ये सेटिंग है कि अगर हम SL2 सेटिंग सेलेक्ट करे रहेंगे तो हमारी जैसे स्पीड 15 से ऊपर जाएगी तो वैसे ही हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब हम जाएंगे, इसको रहने देते हैं, इसमें आते हैं हम बैक और D3 सेटिंग में आते हैं। तो D3 में SL1 है, SL2 है और बैक है, और इसमें भी SL2 सेटिंग सिलेक्ट है। तो SL2 सेटिंग में ये होता है कि हम SL2 सेटिंग में ये होता है कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हमारी गाड़ी होगी पहले अनलॉक, लॉक हो गई है, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग लॉक अनलॉक करेंगे, जैसे इसे दबा के रखें, ठीक है, और हमारी डोर अभी देख सकते हैं सारे के सारे लॉक हैं, हटना थोड़ा, ये लॉक है, ठीक है, हटाना मत उधर से बटन हाथ, ठीक है। और जैसे ही मैं इग्निशन ऑफ करूँगा और चाबी यहाँ से निकालूँगा तो आप देखेंगे डोर अनलॉक हो गया, जैसे ही चाबी निकालेंगे वैसे डोर अनलॉक हो जाएगा इस सेटिंग में, ठीक है, D3 सेटिंग में। अब फिर से हम इंटर करते हैं डोर की सेटिंग में, अब D3 हो गया, अब D5 सेटिंग है, ठीक है। जो हम लोग डोर अभी
लॉक अनलॉक कर रहे हैं, हटा दो बटन उस से। डोर अनलॉक जो कर रहे हैं उसमें एक बीप की आवाज़ आ रही है, तुम लोग सुन रहे हुए, ठीक है। अब D5 सेटिंग में क्या होता है, इसी बीप की आवाज़ को बंद करने के लिए होता है। SL1 सेटिंग करे रहोगे तो हमारी बीप आएगी, और SL2 सेटिंग कर लोगे तो बीप नहीं आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे SL2 सेटिंग सेलेक्ट कर लिया, देखिए सक्सेसफुल आ गया है। अब मैं इग्निशन ऑफ कर रहा हूँ, और अब देखेंगे मैं लॉक करूँगा, देखिए उसे बटन दो, स्विच दो, डोर स्विच। अब मैं लॉक करूँगा तो ये देखिए बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, बस सायरन हमारा नहीं बज रहा है, बस इंडिकेटर हमारा ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे, हटा दो इसको, फिर से कर दे रहा हूँ डोर की सेटिंग का D5 सेटिंग है जो, उसको हम फिर से जैसे थी वैसे कर दे रहे हैं। SL1 में थी, SL1 पे हमने सेलेक्ट कर ली है, तो सक्सेस हो गया है, अब हमारा सायरन बजेगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएंगे हम बैक। अब आ गया हमारी लाइट की सेटिंग। लाइट की सेटिंग में ये है कि हम इंडिकेटर को जैसे एक बार प्रेस करेंगे हल्के से, तो यहाँ पे देखेंगे 3 बार फ्लैश होगा। तो लाइट की सेटिंग में यही होता है, इंडिकेटर फ्लैश के लिए होता है, लेन चेंजर लाइट के लिए है। यहाँ पे सिर्फ L2 है, ठीक है। L2 को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो इसमें SL1 आ रहा है और SL2 कर देंगे तो हमारा लेन चेंजर जो 3 बार ब्लिंक हो रहा है ये बंद हो जाएगा, सिर्फ सिंगल बार ब्लिंक होगा, हो गया। तो इसे हम रहने देते हैं, इसमें बस सिंपल यही है कि SL1 करेंगे तो लेन चेंजर हमारा जो 3 बार ब्लिंक हो रहा है ये वर्क करेगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसे बैक, ठीक है, और यहाँ से हम आते हैं बैक। अब आ गया हमारे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग में देख सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग में हम इंटर करेंगे और SL2 सेटिंग है। SL2 सेटिंग में देख सकते हैं SL1 सेटिंग सेलेक्ट है अभी, इसके सॉरी SL1 सेटिंग सेलेक्ट नहीं है, SL2 सेटिंग सेलेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं SEL लिखा हुआ है। तो इस समय क्या है, अभी हमारा म्यूजिक सिक्योरिटी सिस्टम हमारा एक्टिव नहीं है। तो अब जैसे मैं, अगर सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव नहीं होगा तो SL3 और SL4 सेटिंग हमारी पे वर्क नहीं होगा। देख सकते हैं SL3 सेटिंग मैं सेलेक्ट करूँगा और कहीं पे भी मैं, ये जो लेवल होता है प्री वार्निंग का है SL3, और SL4 जो होता है हमारा फुल ब्लास्ट का है। तो मैं 13 में आके इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे फेल लिख गया है। तो जब तक हम SL2 सेटिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा ये एक्टिव नहीं होगा। तो सिक्योरिटी में दिखा दूँ मैं क्या क्या है। सिक्योरिटी के हम अंदर आए, ये SL2 हो गया और SL3 हो गया। जैसे हम SL2 सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे SL2 SL1 सेटिंग, तो उसके बाद हम SL3 SL4 सेटिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो SL3 हमारी सेटिंग हो गई फुल ब्लास्ट के लिए, प्री वार्निंग के लिए हो गई, प्री वार्निंग शॉक सेंसर बोलते हैं। और जो हमारी SL4 होती है वो हमारी होती है फुल ब्लास्ट वार्निंग सेंसिटिविटी के लिए है। तो हमारी फुल ब्लास्ट में जो हमारा सायरन होगा वो बजेगा, ठीक है। अब हम इसे करते हैं बैक। सिक्योरिटी सिस्टम कस्टमर ने एक्टिव नहीं करवाया है तो हम नहीं करेंगे। और फ्यूल की सेटिंग में आप देख सकते हैं, फ्यूल की सेटिंग में आ रहा है KPLL, ये है लिखा है किलोमीटर पर लीटर का है ये, इसमें आएगा, हाँ इसमें आएगा जो एवरेज आएगा किलोमीटर पर लीटर में आएगा, और इसमें आएगा लीटर पर 100 किलोमीटर। अगर लीटर पर 100 किलोमीटर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा एवरेज आ रहा है, देख सकते हैं 6.3 L/100 लिख के आ रहा है। ये आपको मैं नज़दीक से दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं इसमें आपको शो करेगा L/100 लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम सही कर देते हैं पहले, तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, हमें रेंज पे आएँ या फिर ओडोमीटर रीडिंग पे आएंगे, उसके बाद इसी नॉब को प्रेस करके रखे रहेंगे, उसके बाद हम जाएंगे फ्यूल में और फ्यूल की इस सेटिंग को हम सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा देखेंगे अब एवरेज हमारा आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर पे आ रहा है।
तो क्लॉक के सेटिंग के बारे में पहले भी डाल चुका हूँ वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। तो वैगनआर की ये कुछ सेटिंग्स थी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।